नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा किसी पेशेंट से कभी ना कभी कि उसकी तिल्ली बढ़ जाती है। तिल्ली मतलब प्लीहा, स्प्लीन जैसे कहा जाता है, हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से में यानी कि बाईं तरफ हड्डियों के पसलियाँ जो हमारी होती हैं, ये इन पसलियों के नीचे स्टमक होता है, वो स्टमक से थोड़ा सा नीचे स्प्लीन होती है। ये जो स्प्लीन होती है ये हमारी बॉडी में ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कही जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो लाल रक्त कणिकाओं की उम्र जब पूरी हो जाती है तब उस कंडीशन में वो जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो अपने स्प्लीन में जाके और वहाँ पर उनको नष्ट कर दिया जाता है। ये स्प्लीन का काम होता है। इसके अलावा जब कभी किसी व्यक्ति को भयानक रूप से लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया जिसे कहा जाता है, खून की कमी जिसे कहा जाता है, जब वो डेवलप हो जाती है तब उस कंडीशन में स्प्लीन से बड़ी मात्रा में जो है वो लाल रक्त कणिकाएं निकलने लगती हैं और वहाँ पर जो है लाल रक्त कणिकाओं की कमी को पूरा करने का काम किया जाता है। अब ये जो स्प्लीन होती है, ये जो तिल्ली होती है, वो बहुत सारी बीमारियों में बढ़ जाती है, जिनमें सबसे खास होता है मलेरिया। और मलेरिया में चाहे वो फैल्सीफेरम मलेरिया हो, उसमें तिल्ली का बढ़ना एक बिल्कुल जनरल सी बात होती है। उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कई लोगों की तिल्ली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर उस कंडीशन में वहाँ पे तिल्ली को निकालना ही पड़ता है, स्प्लीन को निकालना ही पड़ता है, इसको प्लीहा भी कहा जाता है, तो प्लीहा को फिर वहाँ पे निकालना ही पड़ता है। तब उस कंडीशन में होम्योपैथी उन मरीजों की बहुत ज़्यादा सहायता करती है। होम्योपैथी में एक खास मेडिसिन आती है जिसे सियोनोथस अमेरिकाना कहा जाता है। ये जो मेडिसिन होती है दोस्तों, ये सियोनोथस अमेरिकाना का मदर टिंचर मेरे पास रखा हुआ है, मदर टिंचर का ही यूज़ करना है हमें। सियोनोथस अमेरिकाना बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें जिन लोगों को तिल्ली के बढ़ने की, स्प्लीन के इनलार्जमेंट की शिकायत होती है, प्लीहा बढ़ने की शिकायत होती है, उन लोगों में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आज मैं इसके बारे में ही आपसे बात करूंगा कि हम इस मेडिसिन को किन किन सिम्टम्स में दे सकते हैं। तो पहला सिम्टम तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जिन लोगों की स्प्लीन बड़ी हो जाती है, मलेरिया के कारण हो सकता है, टाइफाइड के कारण भी हो सकता है, लिवर से रिलेटेड किसी बीमारी में भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति की जो स्प्लीन है वो बढ़ने लगती है, तब उन सारी कंडीशंस में स्प्लीन के आकार को कम करने के लिए, स्प्लीनोमेगैली जिसे कहा जाता है, उसके आकार को, तिल्ली के आकार को कम करने के लिए हम सियोनोथस अमेरिकाना का मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। इसके जो पेशेंट होते हैं, जब उनमें तिल्ली बढ़ जाती है तब उनमें बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, चूँकि तिल्ली यहीं पर है, स्प्लीन यहीं पर है, तो तिल्ली के बढ़ने के कारण उनको बाईं तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत सारे डॉक्टर उसे सामान्य दर्द समझ लेते हैं और फिर वहाँ पर उसका एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन यदि आपको लगातार बाईं तरफ पेट के निचले हिस्से में, स्टमक के थोड़ा नीचे दर्द हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉपर चेकअप कराने की ज़रूरत है, सोनोग्राफी वगैरह कराने की ज़रूरत है कि कहीं वो दर्द आपका स्प्लीनोमेगैली यानी कि तिल्ली के बढ़ने के कारण या स्प्लीन के बढ़ने के कारण तो आपको डेवलप नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं, जब इनको दर्द की शिकायत होती है तो इनसे बाईं करवट बिल्कुल भी सोते नहीं बनता है। एक सामान्य व्यक्ति को सामान्यतः बाईं करवट सोने की हिदायत दी जाती है, लेकिन यदि वो बाईं करवट सोने में उसको दर्द हो रहा है और खास तौर से तिल्ली के रीजन में ही असहनीय दर्द है, उससे बिल्कुल सोते नहीं बनता है, तब सियोनोथस अमेरिकाना उसकी मेडिसिन है और इस मेडिसिन का यूज़ मदर टिंचर के रूप में ज़रूर करना चाहिए। यदि हम इसके दूसरे जनरल सिम्टम की बात करते हैं तो ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन लोगों को खास तौर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन निकलता है और उनको मलेरिया की हिस्ट्री रही होती है, जिनका मलेरिया का लगातार ट्रीटमेंट चला है, बाद में उनको किसी न किसी एलर्जी के कारण ब्रोंकाइटिस भी डेवलप हो गया और बहुत कफ निकलता है, बहुत म्यूकस उनका निकलता है, खकार जिसे कहा जाता है, तो उन लोगों के लिए भी सियोनोथस अमेरिकाना बहुत अच्छा काम करती है, वो इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जिन लोगों को हेयर फॉल होने की शिकायत होती है, किसी भी कारण से हेयर फॉल किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो जिन लोगों को हेयर फॉल होने की शिकायत है उन लोगों को भी सियोनोथस अमेरिकाना से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे पीना नहीं है, वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन के रूप में एक हेयर टॉनिक के रूप में आपको उसको लगाना है अपने स्काल्प पे। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, हेयर फॉल होना बहुत
हद तक जो है वो कम हो जाता है एक किसी जनरल व्यक्ति का। इसके साथ साथ में जिन लोगों को ल्यूकीमिया की शिकायत होती है, एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, जिन लोगों को उस ब्लड कैंसर की शिकायत है, ल्यूकीमिया की शिकायत है, उन लोगों के केस में भी सियोनोथस बहुत ज़्यादा हेल्प उनकी करती है। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा सिवियर प्रोफ्यूज मैंसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको ब्लीडिंग होती है और उसके साथ साथ में जिनको सफ़ेद पानी की भी शिकायत है, उन महिलाओं को भी यदि उनकी स्प्लीन भी बड़ी हुई है और उनको इस तरह की कोई समस्या भी आ रही है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है मैंसेज के टाइम पे, मासिक धर्म के समय उनको बड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको सफ़ेद पानी की भी बड़ी शिकायत होती है, तब उस कंडीशन में वो एक जनरल टॉनिक के रूप में सियोनोथस अमेरिकाना का यूज़ कर सकते हैं। यदि इसके यूरिन से संबंधित हम सिम्टम्स की बात करते हैं, पेशाब से संबंधित लक्षणों की बात यदि हम करते हैं, तो जिन लोगों को बार बार पेशाब जाना पड़ता है और जिनकी पेशाब में झाग आने की शिकायत होती है, फॉर्म आने की शिकायत होती है, उस कंडीशन में हम सियोनोथस अमेरिकाना का यूज़ उस पेशेंट को करने के लिए दे सकते हैं। और जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि हमें इसका मदर टिंचर ही यूज़ करना है। अब दोस्तों यदि हम इसके डोज की बात करते हैं कि हमें किस डोज का यूज हमें पेशेंट में करना है, तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को, आधे कप या एक कप पानी में मिला के पेशेंट को देना चाहिए कंटिन्यू एक महीने तक। उसके बाद उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन कराना चाहिए, सोनोग्राफी वगैरह कराना चाहिए कि स्प्लीन में किस तरह का इम्प्रूवमेंट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यदि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है तो फिर आगे हमें तुरंत डॉक्टर से डिस्कशन भी करना चाहिए और इसके जो फिर डोजेज हैं, फर्दर जो डोजेज होंगे, फिर उनको उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। शुरुआती अवस्था में आप लोग 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप या एक कप पानी में मिला के लेना इसको शुरू कर सकते हैं। ये आपको दवा किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। सामान्यतः होम्योपैथी की दवाएँ होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ही मिलती हैं, जनरल किसी एलोपैथी वाले जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके पास नहीं मिलती है। ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल हो गई हैं, तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।